नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं भाई चैनल। और आज है 6 अगस्त। मैं अभी इको पार्क जाने वाला हूं। इको पार्क में आने वाले हैं महात्मा जी टेक्निकल। टेक्निकल मतलब ये नहीं कि वो फोन कंप्यूटर का रिव्यू करते हैं, वो बताते हैं लाइफ के बारे में और वो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो मैं अभी जाने वाला इको पार्क, और वो जो यूट्यूब चैनल है महात्मा जी टेक्निकल, वो यूट्यूब का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। सिर्फ 10 महीना में उन्होंने 9,14,000 सब्सक्राइबर ऊपर बना लिया है। तो मैं अभी ये देखिए, मैं तो दक्षिणेश्वर में कोशिश करता हूँ कि जल्द जल्द मैं यहाँ से बस पकड़ के इको पार्क जा पाऊँ। लगभग यहाँ 2 बजने वाला है, तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। आप वहाँ से बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप अभी देख रहे हैं झाई चैनल। तो मैं अभी आया हुआ था इको पार्क। यहाँ पर सर महात्मा जी टेक्निकल आए हुए हैं इको पार्क में। तो चलिए हम उनसे आपको मिलाते हैं। तो ये रहे महात्मा जी और अमरेश सर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे काफी लोग आए, एक्सपेक्टेड नहीं था इतने लोग आ गए। पहले तो आए हम 2 लोग ही थे, आपस में बातें करने लगे, बातें भी खत्म होने लग गई थी तो लेकिन बहुत से लोग आ गए और बहुत ही अच्छा लगा। अब धीरे धीरे मैं बहुत जगह जाने वाला हूँ और आई एम श्योर मैं दोबारा जरूर आऊंगा कलकत्ता। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन सर, आप जब यहाँ कोलकाता फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ करके आपको कैसा है? मुझे यहाँ चीजें लगी कि यार लोग ना लाइक कितना भी बिजी रहे लेकिन कोई रिलेटिव या कोई गेस्ट आता है तो उसकी लाइक मिल जाते हैं अपना काम छोड़ के उनसे। लाइक एक फैमिलियर बहुत जरूरी चीज है। दिल्ली में यार हम बहुत बिजी रहते हैं लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे ये फील लगा कि लोग लाइक जुड़ते हैं आपसे। ये एहसास नहीं होने देते कि वो बहुत बिजी है लेकिन वो आपके लिए टाइम। कोई सर दिक्कत भी सर? नहीं, मुझे थोड़ी बारिश हुई, आप भी देख रहे हैं आप, क्योंकि बारिश की वजह से कम लोग आ पाए, ज्यादातर लोग आते हैं लेकिन फिर भी बहुत से लोग आए और थोड़ा बारिश तो अच्छा लगा। थोड़ी सी तो हुई लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बंगाली लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई। जैसे अभी टिकट ले रहा था तो आपस वाले कुछ लड़ रहे थे, मैं समझ नहीं आया लड़ रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर फाइनली मैंने टिकट ली और मैं चला। तो दिक्कत तो होगी लेकिन कोई बात नहीं यार, हम एक साथ रह रहे हैं, धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई वो थोड़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ यहाँ जाए तो सब उठ के चल भाई एक सेल्फी ले आते, फिर सबसे बात करेंगे, है ना। ये रियलिटी, मैं भी बोले मैं भी ले लूं यार, ये रियलिटी है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो नेगेटिव इमेज का एक अपना एक इमेज बन जाता है धीरे धीरे। बोलो कहाँ पे? अरे वो अभी भी हर जगह, मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव इमेज आपको अच्छा बनाती है। लोग आपकी बुराई करें तो वो तारीफ में होती है, वो तारीफ में होती है, ये चीज को मानिए। बट हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं मेन स्टार्टिंग में, तो वो क्या कमेंट करते हैं। भाई आवाज तो ठीक कर ले, पीछे से आवाज तो कर लेंगे, ठीक करेंगे, ठीक। पहले दिक्कत होती थी, जाए मेरा जोर में कहता तेरी आवाज सुनता हूँ तो कर कंप्यूटर का फैन चलता है, है ना। तो यार दिक्कत है तो ठीक करेंगे। स्टार्टिंग की वीडियोज बनी हुई 4th-5th-6th में होंगी ना, बड़े आदत डाली, हमेशा इंप्रूव करी। मैंने अपने चैनल पे बोली नहीं कर पाता कि मैं फुल टाइमर नहीं, मेरे पास सिर्फ टाइम इतना है रात में। जब मैं पढ़ा गया तो 10 बजे डिनर विनर किया, 10:30 से लेके सुबह के 3 बजे तक या 2 बजे तक मैं वीडियो बनता हूँ। तो मेरा ये रोज का है, मतलब मैंने उस चीज को भी दिया हुआ है कि हाँ मेरे को बनाना है, तभी मैं 2 दिन में वीडियो दे पाऊंगा। तो मैंने उसको टाइम दिया हुआ है रात को 3 से 4 घंटे, मैं ऐसा देखे बना दूँ। तो अपना एक टाइम फिक्स रखिए, कितने टाइम में मुझे ये वीडियो बनानी है, बाकी टाइम अपने काम पे। तो आपका एक शेड्यूल भी हो जाएगा। आप मैं मेरा ब्लू 80 है, पहले मैं यही फोन यूज करता सीरियसली। जितने ही मेरी 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर जब तक हुए थे तब तक इसी फोन से यूज करता था और ऐसे ही मैं माइक से वीडियो बोलता था और फिर बनाता था। पर लगा कि इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, तो फिर वो माइक हम ले। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कोई ज्यादा यूज नहीं करता, मेरे पास 2 ही है। स्टार्टिंग में मेरे को सबने बताया कि तुम ज्यादा पॉपुलर हो गए ना, तो जो मतलब लाइक रॉ वीडियोस यूज करोगे पायरेसी वाली, तो वो भी क्लेम करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, सब करना यार एडिटिंग कर देना, ये जो बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक कैमटेसिया यूज करता हूँ और लाइक मेरा वो जो मूवी मेकर है भाई, मेरे में एडिटिंग नहीं है ना, हैवी वाली स्टॉक फुटेज चलती है और आवाज होती है, तो एडिटिंग के लिए मेरा उतना कुछ खास है नहीं। बाकी फिल्मोरा वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी यूट्यूब ने मेरे लिए कमेंट किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, मैंने पोस्ट डाली थी कि कौन कहता है कि यूट्यूब में चेहरा दिखाना इंपॉर्टेंट है, सी समथिंग लाइक महात्मा जी टेक्निकल, किसने लोगों ने था, है ना। तो डाला था उसने, तो जरूरी नहीं है आप ऑडियंस को कैसे जोड़ पाते हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप फेस दिखाने से लोग जुड़ते हैं आपसे, ये तो रियलिटी है। फेस दिखाते हैं आप, जरूरी नहीं अभी नहीं कि वह एकदम अपना एकदम सेविंग गोरा चेहरा ऐसा कुछ नहीं है, लोग जुड़ जाते हैं आपसे। बहुत सारे कमेडियंस है जो आपको पता चल गोरे बंदे पसंद नहीं, ये बंदा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे रियलिटी है। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब अलग है। तो लाइक आप थोड़ा चेहरा दिखाएंगे तो लोग आपसे जुड़ते हैं, फिर यार छवि आती है उस माइंड में, फिर तो स्टॉक फुटेज वाला अंग्रेज ही आता है। मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी है थोड़ा बहुत दिखाइए, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मेरी भी फोटोज आए लोग देखें, तो मैं हमेशा
करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। थैंक यू। बैकग्राउंड म्यूजिक का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक तो जो भी आप वीडियो एडिटिंग यूज करते हैं उसमें 4-5 होती है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री बहुत म्यूजिक मिल जाएंगे। यूट्यूब लाइब्रेरी आप टाइप करेंगे ना, YouTube/library करके यूट्यूब आपके चैनल है तो क्रिएटर पेज पे जो जाओगे स्टूडियो में नीचे बाईं तरफ आप देखोगे आई बिलीव क्रिएट बोल के कोई ऑप्शन है एकदम नीचे 3-4 है क्रिएट लाइब्रेरी, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक मिलेगा म्यूजिक, एक मिलेगा साउंड इफेक्ट, अब जो चाहिए वहां बहुत सारी मिल जाएंगी। उसमें बहुत सारी क्रिएटिव कॉमन है और बहुत सारी फ्री है, मतलब विदाउट आप डाल सकते, किसी को आपको एट्रीब्यूट नहीं देना होगा, वैसा आप सिलेक्ट कर लो, डाउनलोड करके रखो, जिस भी वीडियो में चाहो आप यूज करो। सर मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स अभी जो छोटे तो बोलो मत आगे बोलो, ठीक है, तो मेरा 20 दिन हुआ है अभी तक, ठीक है, तो 61 सब्सक्राइबर्स हुआ है मेरा, तो मेरे जैसे छोटे सब्सक्राइबर मतलब कोलैबोरेट कैसे करें? बहुत जो इन यूट्यूबर फेमस हो गया है जिसका 70,000-80,000 सब्सक्राइबर हो गया है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मतलब जो मेरे से यही होता है, ये जो आप मीटअप में आए ना यही आपके 4-5 दोस्त मिल जाएंगे, भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, चल कोई आप कर, रियलिटी समझ रहे हैं आप, ये यही चीजें होती हैं, फिर लोग आप जोड़ते हैं धीरे धीरे धीरे, आपको लगता होगा यार ये बंदा तो पहले वाले मीटअप पे था, अरे भाई इसके 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, अभी आप आए कोई मिल जाएगा आपसे रिलेटेड चैनल में, फिर आप लोग कुछ कर लेंगे, समझ गए, सारी नहीं जरूरी है, एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग आपसे मिलेंगे जुड़ेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ता है, गाड़ी किसी की एकदम से नहीं बढ़ती यार, मैं जो सोचता हूँ कि मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट किया था कभी, मेरे वो 100 वाली वीडियो में जितना मैं खुश था आज तक मैं 1,00,000 पे भी नहीं हुआ, इतने में बड़ा एक्साइटेड था, पता है कब वीडियो बनाई थी, 98 पे बना दी मैंने वीडियो, बनाई 98 से पहले 90 पे बना दी थी और वेट कर रहा था कि 100 हो जाए 100 हो जाए 100 हो जाए, 98 हुई 100 हुआ डाल दिया, पर किसी ने अनसब्सक्राइब करा फिर से 98 और वीडियो चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ 100 98, मैंने कहा यार मैं कैसे करूँ, अपना फोन ढूंढो भाई सब्सक्राइब कोई कर लेकिन फरिश्ता निकला कोई दो और उसने 2 सब्सक्राइब करे, मैं थैंक यू यार बचाई। तो मेरे कहने का खुशियां कुछ अलग होती है स्टार्टिंग की, लोग मिलेंगे जुड़ेंगे है ना, आप किसी मेरे बहुत से यूट्यूबर के नीचे, जैसे आपने कहा माय स्मार्ट स्पॉट ने अभी वीडियो बनाई थी मेरे लिए, इन्होंने मैंने उनको 2,00,000 पे मेल भेजा था, आपने मेल पढ़ा ना कि मैं आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो मेरे लिए बनाइए मैं आपको पैसे पे करूंगा, तो लाइक उनको भी खुशी देना कि चले यार एक बंदा जो आज फेमस है उसने मुझे मेल करा था कि यार हाँ उसने मुझे मेल किया था कि यार मेरे वीडियो, तो मैंने तो वो तो उसने ये दिखाया था, तारीफ भी है, किसी की वीडियो में लिखा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्या पता वो कमेंट स्क्रॉल करके दिखा दे कि ये बंदा मेरा फैन था, है तो इसमें बुराई नहीं है, सब आपकी अच्छी चीजें हैं, ये वो दिन है जब आप स्ट्रगल थे, ये आपका मेरा ऐसा मानना है कि जो लिखते हैं ना प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वही बंदा स्ट्रगल कर रहा, वो गलत है, YouTube कम्युनिटी से वो अलग चीज है कि सब्सक्राइब मी सब्सक्राइब, वो गलत हो सकता है वो अपनी जगह, लेकिन उससे दिखता तो है बंदा सीरियस है भाई, कोशिश तो करने के लिए सीरियस तो है, ये चीज आपकी दिखाती है, अगर मैंने किसी के नीचे कमेंट लिखा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ प्लीज प्रमोट माई चैनल लिया, ये दिखाती है कि उस टाइम में बहुत सीरियस था अपने चैनल के रिलेटेड, मैं किसी को भी कुछ ही बोल देता था कोई मेरा कुछ कर तो दे, ये सब चीज सीरियसनेस दिखाती है, इसको पॉजिटिव वे मिले और आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है किसी के नीचे कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन और क्या पता वो करे, ये अच्छी के दिन होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने लाइक इस टाइप से कहा कि आज ये उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एट द टाइम कमेंट भी, सारी चीजें आप जरूर रखिए और ये सब सीरियसनेस रही है ध्यान रखिए, और कोई सर आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने कहा था कोई आदमी खरीदना चाहता है आपका चैनल, हाँ नहीं स्टार्टिंग में जब मेरे को लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि भाई ये तो पैसे कमाता है बहुत ज्यादा कमाता है लाख रुपए कमा रहा है, तो मैंने कहा यार कोई भी बंदा जहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई प्रोफेशनली बचपन से प्लान था कि भाई बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, किसी का प्लान नहीं, सब यही कहेंगे कि मेरी हॉबी थी देखा तो बन गई है ना, तो मेरी यही हाल था कि किसी को मैंने देखा उसने वीडियो बनाई कि क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आजकल के स्टूडेंट तो ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी स्टूडेंट ने दिखाया था करमन सिंह गुजराल, उसी ने चैनल का नाम रखा है महात्मा जी टेक्निक, उसी ने कहा कि सर गुरुजी बहुत है महात्मा जी बन जाओ, तो आज चल गया लोग पसंद है वो चीजें, तो उसी ने रखा, मेरा कोई योगदान नहीं है चीज में, बस मेरा एक आवाज जो मैंने बना दी, तो उस वीडियो बनाने के बाद जब आपको स्पॉन्सर्ड मिलेंगे जब आप भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो मुझे बहुत से लोग स्पॉन्सर्ड करने लगे कि हमारा चैनल प्रमोट करिए हम आपको इतने पैसे देंगे इतने पैसे देंगे, तो भाई मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहे थे ना यूट्यूब से ना कहीं से, मेरा चैनल तो वो भी नहीं था मोनेटाइज भी नहीं था, मुझे पता नहीं था ना कि क्या होता है, किसी लोग करते थे सर मोनेटाइज कर लो पैसे भी मिलते हैं, तब जाके हमने क्या करा मोनेटाइज, तभी मेरा ना वेरीफाइड हुआ ना मैंने कुछ भी नहीं किया, तो किसी स्पॉन्सर ने मुझे कुछ पैसे दिए एप्लीकेशंस के बारे में बताने डिक्शनरी के रिगार्डिंग, मैंने बनाया तो जो कहते ना यूट्यूबर्स जिनको सब पता होता है अरे विज्ञा भाई ये तो विज्ञा ये तो वही उन लोगों में से आ गया, तो मुझे बुरा लगा यार कि चलो अभी शुरू हुए लोग ऐसा सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो मैंने ओपिनियन दी कि बहुत से लोग मुझे दिन में 50 मैसेज करते हैं स्पॉन्सर्ड के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है इंटरनेट पे, अगर किसी एक बच्चे को मैं कह दूं कि तुम ये एमबीए में एडमिशन ले लो 5,00,000 रुपए लग जाएंगे उसके, क्या पता वो 1,00,000 मुझे दे दे, पर मैं ये चीज नहीं करना चाहता, मुझे रोज लोग मुझे मेल करते हैं इस चीज से रिलेटेड कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के लिए प्रमोट करिए बच्चों को यहाँ बुलाइए, मैं कभी नहीं कहता कि आप प्राइवेट में जाओ, मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट का फॉर्म भरिए मेहनत करिए और वहां जाइए,
मेरे को दिन में सर से कहता हूँ वीक में 5 ऐसे यूनिवर्सिटी से मेल आते हैं जो ये कहते हैं कि सर आप हमारे स्टूडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं जो इनके अच्छे रैंक नहीं है। मैं नहीं बोलता, मुझे पता है बच्चे सब समझदार है भाई, ये पढ़ गया भाई गलत चीज में है ना, तो मैं नहीं बोलता। लेकिन वहां मैंने चलो बोल दिया कि मैं एप्लीकेशन है डाउनलोड, तो लोग मुझे थोड़ा बुरा लगा, नए नए थे लेकिन आवाज बढ़ चुकी है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जिसकी आवाज होती है, जब आपकी आवाज होती है ना, लोग चेहरे से तो नहीं जानते आपको, तो लोग खरीद लेते हैं चैनल। जैसे आप मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स है, आज मैं बेच दूं ना अपना चैनल तो कल कोई और चला लेगा, क्योंकि मेरा चैनल से उतना, आप तो चेहरा जानते हैं लोग लेकिन पहले तो नहीं जानते थे ना, तो कोई और चला लेगा वहीं से आगे। तो इसलिए बहुत से आपको ऐसे कॉन्टेक्ट करेंगे, अभी तो बहुत कुछ होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सी चीज नहीं मिलेंगी, बोला इतना पैसा मिलता है क्या ना, बहुत सी चीजें होंगी दोस्त लाइफ में, तो ये सारी चीजें हैं। और बताइए, अरे थैंक यू सो मच, अभी मुझे तो लगा कि यार अपना बारिश हो गया भाई, कोई आएगा नहीं, रिलेटिव बेइज्जती और करेंगे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली मैं बताऊं। अरे थैंक यू सो मच, आप मुझे बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ऐसा सोचना ही नहीं है इतने लोग आएंगे कहाँ आएंगे, चल रहे ना क्या दिक्कत है, अभी वहां चला जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली में तो अनएक्सपेक्टेड कितने लोग आ गए और इतना लाइक पहली बार, तो ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग जुड़ते हैं मुझसे। और कितने लोग हैं जो दिल्ली थोड़ा यहाँ से बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे मिलने? एक तो वो आए हैं, आप कहाँ से आए? देखा ये भीखा, अरे मैं तो कल परसों आने वाला था, अभी प्लान करके, अब मैंने मना किया हुआ है कि यार दूर से मत आइए प्लीज, मैं जरूर। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। अरे तो ये चीजें बहुत बहुत जुड़ी है, और चैनल से रिलेटेड प्रॉपर जो यूट्यूब नहीं चलाता वो कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, माफ कीजिएगा बहुत यूट्यूब वीडियो हो गया मुझसे है ना, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड यार हर चीज में, जैसे अभी आप मुझसे पूछोगे ना हाउ टू स्टडी, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन ये दिलासा है, ये क्या है सर दिलासा, इससे कुछ होता नहीं है। ऐसा हो जाएगा कि मैं पढ़ाई के टिप्स दे दूं घर जाकर पढ़ाई शुरू, ऐसा तो नहीं है, मैंने ना, मैं बताऊं, मैंने ये सब झेली हुई अपने जीवन में, जब मैंने 4-5 वर्ड्स कहे अपने जीवन में कि पिता ही वो ऐसा एक शख्स होता है जो हमें बताता है, जो हमें ये एहसास नहीं होने देता कि हम गरीब हैं जब तक हमें खुद मालूम न चल जाए। ये जीवन में मेरे साथ जुड़ी हुई है ये बातें है ना, कि यार पता चला कि मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे एक लाइक हॉस्पिटल में, तो वो कह रहे थे कि मेरे पापा ड्राइवर है और हमारे पास 2 ही प्लेट होती थी, तो हमने भी कहा यार हमारे पास भी तो 2 ही थी, लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स नहीं बताया कि घर में 10-20 होनी जरूरी है, हमें लगा कि 2 ही चीज है, पर्स है तो 1 ही जरूरी है, मैंने आज तक सीखा, और जूते भी 1 ही चाहिए, ये मेरे को ऐसा बताया गया बचपन से, तो लगा कि 2 की जरूरत नहीं होती है, जो लोग 2 करते हैं वो गलत लोग होते हैं है ना, बेल्ट 1 ही चाहिए, ये चीज बचपन से बताई गई, ये नहीं बताया कि तुम बहुत गरीब हो, ये चीज नहीं सिखाई गई, और मैं यही आज तक मेरी बायोग्राफी सुन ली किसी ने यूट्यूब पे, मेरी बायोग्राफी नहीं, मैंने तो नहीं बताई, किसी ने एक आप चैनल ने बोला है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं बताई, क्योंकि मुझे ना खुद से बोलना पसंद नहीं कि मैं अपनी गरीबी लोगों को एहसास दिलाऊं, थोपूं कि भाई तुम भी ऐसा नहीं, अपने आप को हमेशा लाइक बताते चलिए कि मैं कर रहा हूँ ये, ठीक हूँ यार, कुछ चैनल्स मैंने देखे तो ये सारी चीजें रखी है, और ये बहुत जरूरी है। और किसी का किसी से रिलेटेड सवाल बहुत हो गया, मतलब मैं बहुत बोलता हूँ, इससे पता चल गया सारे चीजों का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, तो ये सब चीजें रखी है। पानी की पिक्चर किस लिए? वो बहुत पुरानी पिक्चर थी, जब मैंने कहा मेरे को ना बड़ा शौक रहा हर चीज में, तो मास्टर तो रहा लेकिन मैंने हमेशा बहुत चीजें उठ पटांग इधर उधर, चैन वैन वाली फोटो है, कुछ लोग कहते हैं ये बंदा बहुत फेक है, एक ने मैं यार पुरानी मुझे क्या पता कि डिलीट करनी पड़नी चाहिए, उसने वो चैन वाली किसी स्टूडेंट की थी, मैं आपको सच बताऊं, स्टूडेंट का सर DSLR है, फोटो बड़ी अच्छी आती है, अच्छा चलो फिर, तो कैंसिल करके लाइक गाड़ी ली और चले गए, तो लाइक उसी का चैन था पहन लिया, तो ऐसे खिंचवा ली, तो लोग क्या कहता है ये बंदा बहुत फेक है, ये महात्मा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत फेक है, देखो चैन वाली फोटो, यार गलतियों के भाई क्या हमारा मन नहीं करता DSLR से फोटो खिंचवाए, हम नहीं खिंचवा सकते इसे कॉमन, यार लोग बुराई करेंगे, लाइक वो मेरी स्टूडेंट ने ली थी लोफर रहमान, ऐसी मैं बैठ जाता था इसलिए वो बड़ा अच्छा था, और डाल दी, लोगो बनाना आता नहीं था वही डाल दी, और आज लोग उसी से पसंद करते हैं तो वही रखा हुआ मैंने, तो सारी चीजें हैं, मैं सब कहता हूँ कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, एक सेल्फ मोटिवेटेड बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे यूट्यूब हो चाहे खुद का हो, सेल्फ मोटिवेटेड का डिफरेंस सिर्फ इतना है, लाइफ इज अ फाइट, लड़के ही जीना है, कभी भी लाइफ इजी नहीं होने वाली, जब तक जिंदा हो डिफिकल्टीज कोई ना कोई तरह की डिफिकल्टीज आएगा, पैसे की, रिलेशन की, ग्रोथ की, ज्यादा ग्रोथ हो गया यार मैं संभालू कैसे, इतना ग्रोथ हो गया मुझे खुद पता नहीं चला, अपने चैनल में 5 पे होगा तो कर देंगे, लाइफ का मुक्का आता रहेगा, अगर मुक्का लगे लग के खड़ा हो जाओ, अगर गिर भी जाओ खड़ा हो जाओ फिर से, किसी बस से रिलेटेड हो, नहीं कभी भी ना आप ऊपर जाओगे, कभी भी किसी भी, अगर आप अपने पैशन से अगर आप कुछ करते हो, अगर
किसी को आपको किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद कन्विंस हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मेरा पैशन है, करते रहो। किसी की बुराई मत करिए किसी फील्ड से। हाँ डेफिनेटली किसी फील्ड अपना लाइक जो है वो करते चले जाइए, लोग आपकी बुराई करें अच्छी बात है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। I'm not saying about YouTube, I'm saying about everything, everything in your life। मतलब अगर आपको ज्यादा खाना बनाना भी अच्छा लगता है, झाड़ू देना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो जो भी आपको अच्छा लगता है, सब चीजें हैं। और बाकी चैनल सबका चलेगा अच्छी बात है। बट हमेशा मैंने एक ही मंत्र दिया है, बहुत से लोग कहेंगे क्वालिटी क्वालिटी तो इम्प्रूवमेंट है, सब जानते हैं कि भाई क्वालिटी करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, पैसे आएंगे करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ऑडियंस से जुड़ने की आदत डाली है कि आप ऑडियंस से कैसे जुड़ पाए किसी भी फील्ड में। कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके लिए आप सर्च करिए कि क्या है, बाहर ढूंढिए लोग क्या कर रहे हैं, जरूरी है करना। अच्छा मैं बहुत मतलब आई एम नॉट सेइंग छोटे, लेकिन जिनके कम सब्सक्राइबर्स है लाइक 100, 200, 400, 500 उनका वीडियोस मैं देखता हूँ। आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता है उनको देखने, क्योंकि मैं उनको देखते मैं खुद को उनके साथ जोड़ता हूँ कि एक दिन मैं भी वैसा था, इतना इतना सारा गलतियां मैं भी करता था। तो जब मैं उनके वीडियोस देखता हूँ तो वहां पे अगर जब भी उनके वीडियोस में देखता हूँ वहां पे मैं कमेंट करता हूँ कि यू आर डूइंग गुड। अगर मुझे लगता है कि कुछ खराब है मैं वहां पे ऑलवेज लिख देता हूँ कि ये खराब है या फिर इसको इम्प्रूव करो, आपका वीडियो अच्छा चलेगा। तो अगर मैं वैसा करता हूँ तो वहां से मैक्सिमम टाइम आता है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई नेक्स्ट वीडियो इज समथिंग। तो अगर आप वैसे कमेंट्स करोगे, आई एम नॉट सेइंग आप करते हो, लेकिन अगर कोई करता है या फिर इन फ्यूचर करोगे कमेंट ज्यादा आने की वजह से, तो वहां पे आप जुड़ोगे नहीं। नहीं फिर भी जैसे कमेंट का रिप्लाई जितना आप करेंगे लोग आपसे जुड़ते हैं। मेरा जितना भी कमेंट आता है, हो सकता है 24 आवर्स में मैं एक ही बार कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन 2-3 घंटे मैं एकदम कमेंट्स के लिए रखता हूं। कुछ चीजों का बैठ जाता हूं एकदम पूरा करता हूं। आप देखोगे मेरे एक एक वीडियो में 800, 900, 1000 मतलब मेरा फेविकॉम का चैनल है। अब मोटिवेशनल में लोग सोचते हैं भाई 300 चलाएं तो चाहिए उनको, क्या पूछते हैं। तो लाइक बहुत सी चीजें कि कमेंट्स अपने ऑडियंस को जोड़िए, कमेंट्स से जुड़ते हैं। क्योंकि आप उनके साथ बात करोगे ना, इट्स जस्ट लाइक टॉकिंग। आप बात करोगे, 10 में आप रिप्लाई दोगे, देखोगे 2 बंदा वापस आगे आके कुछ रिप्लाई किया उसके ऊपर, आप उसको रिप्लाई करोगे। एंड इट्स जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप में फेसबुक में जैसे चैट करते हो उसी तरह का वहां पे होगा। आप वो देखो कि वो 2 बंदे या 3 बंदे आपके फैन बन गए, दोस्त बन गए कैन से। एंड आपके वीडियो जब आएंगे तो वो देखेंगे ही देखेंगे, हो सकता है वो आपको प्रमोट भी करे, अपने दोस्तों के पास जाके बोले कि भाई देख ये यूट्यूबर है बहुत अच्छा करता है, देख इसका वीडियो देख। मैंने फोन पे बात की थी मुझसे कभी, फोन पे मैंने एक नंबर दिया था, नहीं कर रहा कॉल किया, चक्कर क्या रहा यार, वो इतना फोन आने लगता है उस टाइम, इतने फोन आते लगते हैं। और मेरी एक आदत है कि लाइक आप कोई बोल रहा है तो 2 मिनट तेरा बात हो गया चल रख फोन, ऐसा नहीं है मेरा। अब वो पूछ रहा है तो रखते हैं ठीक है, तो इसी चक्कर में 7-8 मिनट ले लेता है तो लाइक आधे घंटे को 4-5 मीटिंग में फोन में कुछ समझ नहीं आता, इतनी वो होने लगी। तो बहुत से लोग परेशान हो गए, आपने कहा कि कॉल ही नहीं लग पाती, दिक्कतें इतनी आ जाती हैं उस टाइम। तो मैंने कहा इस चीजों से कि बहुत सी चीजें हैं, तो ऐसा ध्यान रखिए। और दोस्त थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पे, जरूरी है। देखिए ब्लॉग इंडिया में नहीं चल पाता, बहुत से लोग नहीं चल पाता, लोग कौन देखेगा दिल्ली का चांदनी चौक, भाई चल कौन देख रहा, सबको मालूम है यहाँ से। लेकिन यूएस में देखिए ब्लॉगिंग पसंद है, तो कुछ चीजों का ट्रेंड है ब्लॉगिंग का भी। अभी देखिए ब्लॉगिंग अभी जैसे मोमोज पहले इन नहीं थे, अभी इन हो गए, तो ब्लॉगिंग भी होगा। अब आई डोंट नो सब लोग थे कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जियो की वजह से, बहुत सारे व्यूअर्स आए हैं यूट्यूब में। अगर आपको आपके चैनल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो आपका ऑर्गेनिक होगा, मतलब कहीं पे जाके कुछ आपको ट्रैफिक नहीं खरीद रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सितंबर महीने से देयर इज 1 मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पे अपने चैनल को आप ग्रो करवा सकते हो, हमेशा इंप्रूवमेंट। बहुत सारे नए व्यूअर्स आने वाले हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक भी जरूरी होता उस वक्त। आप उसके अंदर यू डिसाइड कि आपको किसके ऊपर वीडियोस बनाना है। आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप आपका चैनल सही रखोगे, डिस्क्रिप्शन ठीक ठाक रखोगे, आपका अभी जो है उसे 3-4 times सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे। और जब नाम पसंद आओ ना बंद कर दो, क्या बोलते हैं बदल देना। मेरे चैनल का पहला नाम था ज्ञान की कोच वो मेरे वीडियोस में ही है, क्या स्वागत है आपका ज्ञान की कोच में। पर वो जब वीडियो बना दिया तो बाद में लगा नहीं महात्मा जी टेक्निकल ठीक है, तो टैग लगा रहे हो। कहने का मतलब कि जब नाम पसंद आया ना अभी बदल देना, जब तक वो वेरीफाइड ना हो तब तक वो बदलते रहना, जितना मर जाएगा वास्तु पंडित से वो ठीक नहीं हो बदल, है ना, लाइक बदल देना। अगर जब पसंद ना हो तो बदल सकते हैं, जब सर वेरीफाइड वगैरह हो जाए तो फिर ठीक है, लोग बहुत से लोग जान जाएंगे, है ना। और तो फिर वो उस टाइम नहीं कर सकते, लेकिन 1000-1000 तक तो बदल दिया करना, अगर जब तक सुटेबल ना लगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी आस सोचा ये वाला ठीक है ये रखे, ऐसा थोड़ी लगता है 4 दिन पा मेरे को नाम ढूंढने में। मेरा उत्सव लक्ष्य क्या है पता, मैं गया था, मुझे कुछ आई डोंट नो कुछ एग्जाम था या कुछ था, वहां पर मुझे ईमेल आईडी देना था। मैं गया, मेरे उस वक्त ईमेल आईडी नहीं था, जीमेल आईडी मुझे खोलना था,
क्या रखू क्या रखू, उत्सव ब्लॉग रख देता हूँ। वो मैंने मेरा जीमेल आईडी बनाया, तब मैं क्लास 7 या 8 में था आई बिलीव, उस वक्त मैंने बनाया था। आज जब मैंने चैनल बनाया, चैनल का भी मेरा फर्स्ट वीडियो था, मेरे घर में एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, दोनों एक साथ खेल रहे थे, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों खेल रहे थे, उसका वीडियो मैंने फर्स्ट डाला था, क्योंकि मुझे पता नहीं था व्हाट इज यूट्यूब। मुझे पहले सोचा कि यार डाल के देखते क्या होता है, क्या ऑप्शन मिलता है, क्या कर सकते, इसके लिए वो पहला वीडियो डाला था। और उस वक्त भी मैंने उत्सव रॉक्स मेरे चैनल का नाम रखा था, आज भी है, अब तो मेरा चैनल वेरीफाइड हो गया, सो इसके बाद चेंज करने का कोई मैं सवाल ही नहीं होता है, लोग पहचानते हैं। सो नाम नेवर नो, आपका जो भी नाम है, जैसे ये एकदम पहले कह रहे थे अमरीश के, हो सकता है नाम है उल्लू, उल्लू का ज्ञान या फिर उल्लू का वाइन, तो पहले में सुनने में कैसे लगे, लेकिन जब लोग 3-4 वीडियो 6 वीडियो 7 वीडियो देखेंगे ना, सब्सक्राइब नहीं है लेकिन ऐसे ही उनके पास सजेस्ट हो रहा है कि साइड में दिखाता है सजेस्टेड फॉर यू, सजेशन फॉर यू, रिकमेंडेड फॉर यू, तो वहां पे वो जब देखेंगे ना, तो उनके लिए भी उल्लू का वाइंस लेकिन एक अच्छा चैनल बन जाएगा। अपने आप पे भी वर्क करिए, स्टार्टिंग में वीडियो बनाने से ज्यादा अपने आप पे आपको इंप्रूवमेंट कीजिए, है ना। अपने आप आज मुझे लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने बोल पाता हूँ, पहले बहुत दिक्कत होती थी, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का ही फर्क होगा। तो जितना वीडियो क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी अपने आप पे इंप्रूव करेगी। मैं कैसे सोचिए, बहुत ज्यादा मैंने भी बहुत सोचे हैं दोस्त, आज कुछ कुछ बातें कोई मुझसे पूछता है और मैं हैंड टू हैंड बता देता हूँ, 7-7 घंटे लगे थे मुझे ढूंढने में यूट्यूब, मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैंने डेडिकेशन दी थी उस चीज में। यूट्यूब करीबन मैं 3 महीने पहले स्टडी करी, वो सारी बेकार चली गई कि क्या स्टडी करा, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसा कर सकता हूँ ऐसा कर सकता हूँ। तो अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करिए, अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करिए, जितना आप कर सकते अपने आप इम्प्रूव, क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। आजकल सिर्फ लोग एक वीडियो बना के अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, है ना, आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए, आपकी बातों में ना डरे ना, अच्छा ये था कंफ्यूज हो ही ना, झूठ भी बोल रहे वो ढूंढेगा थोड़ी इतना ये सर्च करेंगे बोला सही, मैंने का मतलब इतना भी नहीं कि किसी को मिसगाइड कर दे, बट जो बोल रहे ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट बात करें उससे, सारी चीज जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत टाइम हो गया आप सबका भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ समाए और एक बड़ा एक तगड़ा सा ले लेते हैं एक वीडियो बना के हम लोग, और तो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो, स्टूडेंट वाला छोड़ रहा है यार, यूट्यूबर बहुत आ गया है ना, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, लाइक स्टडी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस वही होती है, स्टूडेंट से रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, और लाइक वो जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा एक अपना एक वो है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई दानी नहीं हूँ, हम सब कहीं जाते हैं यार, कोई यार होता है तो दे देते हैं, 150 तो हर कोई दे देता है, पहले मैं भी नहीं बनाता था, लेकिन लगा यार चल अब लोग समझते हैं देखते हैं, तो एटलीस्ट कुछ चीजों को बातों में एक्सप्रेस करके सुनानी चाहिए, बस यही मेरा मोटिव है, और ऐसा कुछ है सबसे बड़ा चीज, अगर उनको देख के अगर 10 लोग भी अगर करते हैं वो काम, तो 10 आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 लोग नहीं दिखाते फेसबुक पे, बहुत से लोग मुझे ऐसी फुटेज भेजते हैं अपना किसी को कुछ देते हुए, बहुत से लोग करते हैं, बट मैं चैनल पे ऐसे नहीं दिखाता किसी के बारे में, किसी को और कुछ कई और बवाल हो जाए कुछ, बहुत से लोग मुझे फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज करते हैं प्रॉपर कि सर मैंने इसको ये दे दिया, इसकी गरीब की हेल्प कर दी, बहुत से लोग मुझे करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, कमेंट तो पता ही आपको कितनी तारीफ भरी आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली, कमेंट तो वाकई इतने हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए खासकर, कि अभी भी कोई तारीफ बहुत होती है मेरी, इस बात का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी चैनल में दूसरे का न्यूज़ लेके वो यूज़ करते अपने चैनल में, तो वो चैनल कैसे न्यू चैनल जितने भी हैं, देखिए आजकल ना एक यूट्यूब ने बड़ी अच्छी फैसिलिटीज दी है, कॉपीराइट क्लेम है, ये क्या फैसिलिटीज है दोनों के लिए, जिसके कंटेंट है वो भी, जिसका नहीं है वो भी, पहले क्या था स्ट्राइक पड़ जाती थी सीधा, पहले क्या पड़ता था सीधा स्ट्राइक, तुमने गलत किया हमारी वीडियो डाले स्ट्राइक, अब क्या करते हैं लोग कहते हैं स्ट्राइक क्यों डाले, कॉपीराइट क्लेम भी डाल देते हैं, इससे क्या होगा रेवेन्यू शेयर भी आता रहेगा, तो आज तक वाले एनडीटी वाले से आपकी दुश्मनी है क्या, नहीं ना दुश्मनी नहीं है, आपने उसकी वीडियो डाली और वो ट्रेंडिंग में चली गई, तो वो कॉपीराइट क्लेम डाल के सारा पैसा वो ले लेंगे, क्योंकि दुश्मनी तो है नहीं ना कि वीडियो क्यों डिलीट करा है, हमारा तो चल रहा है, आज कोई मेरी वीडियो कॉपी करके कहीं डालेगा मुझे सब पता होता है कौन डाल रहा है, मैं क्लेम नहीं कर रहा क्यों, जिस दिन चल जाएगी मैं क्लेम डाल दूंगा, क्योंकि वहां से वो रेवेन्यू शेयर आएगा, क्योंकि दुश्मनी थोड़ी, हाँ अगर किसी ने मुझे उल्टा बोला है कुछ करा है तो मैं क्लेम तब डालूंगा ना, तो आजकल दुश्मनी तो है नहीं ना किसी से, कौन किससे कितना लड़ना चाहता है, तो क्लेम वाली बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो आपको तो लगता है यार इसके चैनल पे वीडियो चल रही है, पर दोस्त वो क्लेम्ड होती है, बहुत से जिसका आप देखते हो ना कि यार इसकी वीडियो उसके चैनल पे चल रही है मेरी कैसे बैन हो गई, वो क्या करता है उसके व्यूज ज्यादा थे तो उसने क्या कर दिया वहां पे कॉपीराइट क्लेम, उसका जितना रेवेन्यू शेयर है वो उस कंपनी को जा रहा है, बहुत सारे जानकार देख रहे हो क्रिएटिव कॉमन या कुछ में उसके वहां पे चल रहा है, लेकिन जो पैसा वहां से आ रहा है ऐड से वो जिसका एक्चुअल वीडियो उसके पास जा रहा है, हाँ तो ये चीजें हैं, तो ये बेनिफिट दोनों के लिए हो गया ना, आपके चैनल पे कोई हार्मफुल नहीं हुआ, यूट्यूब बजाबते लिखता है टेंशन ना लो चैनल पे कोई हार्मफुल नहीं हुआ, बस इसका तो आप चाहते हैं अगर वीडियो चलाना तो रेवेन्यू शेयर उस
उसको जाएंगे। पाकिस्तान का जो चैनल होता है किसी किसी न्यूज चैनल का, उसका वीडियो पलट के उसका जो स्क्रीन में छोटा करके वो देख रहे हैं किसी किसी न्यूज चैनल। देखिए बहुत कुछ चीजें तो अब गंदी गंदी चीजें भी चल रही होती है, बहुत दिनों चल रही, लोग कहते हैं इसको क्यों नहीं देख रहा, कुछ चीजें नजर में नहीं आ रही, कुछ चीजें नजर में आ जाती हैं तो उसको स्टैम बैन कर देता है। पर धीरे ये चीजें गलत तो गलत ही, आप ये मान के चलिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जब मोटिव रखते हैं तो आप ऐसी बातें नहीं सोच सकते अपने रिगार्डिंग। जब आप लॉ स्टूडेंट होते हैं ना, बोलते अगर ऐसा कर दिया तो, अगर ये कर दिया तो, अगर मार के भाग गए तो फिर क्या क्लेम, तो आप उस चीज को उस एंगल से नहीं देख सकते ना। लॉ का एक अपना एक नजरिया है, आप उसी के थ्रू जा सकते हैं। तो वही अगर आपका लॉन्ग टर्म मोटिव है तो ऐसी चीजों को तो जरूर रखिए, कंटेंट अपना हो। आज कर रहे यार, एक साल बाद आप भी ऐसे ही हो गए मेरे बराबर ही, व्यूज ही मैटर करते हैं, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते एक टाइम के बाद, व्यूज ही आपका मेन चीज, व्यूज से ही सब कुछ होगा। बहुत से लोग होते हैं, आप देखिए आजकल बहुत सी ट्रेंड में चलता है, होम रेडीमीज बहुत चल रहा है आजकल, है ना, बहुत सी चीजें हैं जो चल रही है, बट मेन चीज आप ये फोकस रखिए कि सब्सक्राइबर ठीक है, लोग सब्सक्राइबर का मतलब है कि लोगों को लगता नहीं यार इसको संभाल के रख लेते अपने प्ले लिस्ट में, ये बंदा ठीक है, चैनल को देखना बनता है, इसका चैनल को देखना, वीडियो ना मिस हो जाए। हाँ, वीडियो मिस ना हो जाए या नहीं भी देख पाए तो कमेंट रखते, तो कुछ चीजें हैं ऐसी, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए किसी बार। हाँ सर, आप सीए के बारे में कुछ? हाँ बताइए, सीए तो मैंने बीच पर ड्रॉप आउट किया कि आप कुछ पूछिए, वो बताता हूँ। तो सीए से रिलेटेड मैंने कहा ना, अभी तो सीए की डिमांड बढ़ गई, जीएसटी जब से आया है, है ना, सीए की डिमांड वैसी बढ़ चुकी है ना, हर एक को सीए को पकड़ना पड़ेगा चाहे वो सोच, तो सीए की डिमांड अब बढ़ गई हर फील्ड में। पहले अभी क्या था, ऐप डेवलपर का ही बहुत डिमांड है, क्योंकि ग्रोसरी वाले से लेकर ज्वेलरी वाले तक सबको कहा आना है ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन चाहिए, उसका खुद का एप्लीकेशन चाहिए। अब हर कोई तो नहीं बना सकता, भले वो कितना आसान काम हो, एक एप्लीकेशन बनाने के वाले के लिए आसान काम हो, लेकिन क्या आप बना या बना सके, नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं उस चीज के बारे में। तो ऐप डेवलपर बहुत जरूरी है, मतलब टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वेबसाइट, क्योंकि हर एक को आना है। अब सीए की डिमांड आ गई क्योंकि जीएसटी आ गया, अब एक सीए की जरूरत है तो इस फील्ड में फिर रेवोल्यूशन आ गया, फिर लोग बढ़ेंगे। तो हर फील्ड का एक है आधार, कोई और किसी से रिलेटेड या बहुत से लोग नए हैं, आई एम सो सॉरी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, मैं रुका, मैं रहा एकदम किसी से रिलेटेड आप कोई सवाल नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे मालूम है, और चैनल में बहुत बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ है, एक बार हम लोग एक सेल्फी ले ले, बहुत तगड़ी वाली। अच्छा, थैंक यू सो मच, इधर आते हैं अब और, अच्छा, और दूर से कौन कौन लोग आए, एक आप आए थे और कहाँ आए थे, आप कहाँ से आए? दीघा। दीघा से? अच्छा, दीघा से आए। अमरीश, एक चीज करो, सब लोग ऐसे बिठाते, आप यहाँ पे बीच में आ जाओ, इनके पास कैमरा है, एकदम बिंदास फोटो ले लेंगे, मैं आपको मेल कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, एक ही बढ़िया वाला, आप ये भी ले लो, हाँ ऊपर चलिए, काफी लोग भी जा रहे होंगे। बसे जाओ, कोनो অসুবিধা নেই, সবাই আসবে, যারা আছো মোটামুটি বসে যাও, তিনটের মতো মোটামুটি কাজ হবে, পাসিনা এডিট হতে চাইছে, দেখ লেনা ভাই, আগে বারে সে। আচ্ছা আমরা সর সাইড এর পর ঘুরে যাও, यहां पे बैठते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थीसिस बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का झाजी जी के चैनल पे। यहाँ पे आप मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बात सही है कि ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सकते होंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन यार जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आइए इनके चैनल पे, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सी चीजें रिसर्च करके लाते हैं, तो जरूर देखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप भी थोड़ा देख लीजिएगा चैनल। श्योर श्योर, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ऐसी थिंकिंग ही नहीं कि मैं बड़ों के चैनल देखूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जिनके सब्सक्राइबर्स कम है वो मैंने बहुत बार सोचा है कि जिनके सब्सक्राइबर्स कम है वो मुझसे अच्छी वीडियो बनाते हैं, मेरे को बहुत बार ऐसा फील होता है। तो ये जरूरी नहीं है, बट ठीक है, लोग आपको आपके वे में पसंद करते हैं, क्या पता मैं लोग मुझसे ये चीज एक्सपेक्ट ना करें कि ये टिप्स बेकार देता है, लेकिन क्या पता लगता है बोलता थोड़ा अच्छा है ना, तो इस वजह से जुड़ जाते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप रखिए। थैंक यू सो मच।